लंबे समय से लंबित विद्युत बिलों की अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत बोर्ड मंडल ने शिकंजा कस दिया है। विद्युत मंडल धर्मशाला के अंतर्गत आते विभिन्न उपमंडलों के 342 विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं। इन 342 विद्युत उपभोक्ताओं की लंबित बिल राशि 10 लाख रुपए थी, जिसकी अदायगी के लिए विद्युत बोर्ड की ओर से नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन उपभोक्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, जिस पर विद्युत मंडल ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 342 विद्युत कनेक्शन काट दिए हैं। अब इन उपभोक्ताओं को अपने विद्युत कनेक्शन रिस्टोर करवाने के लिए 250 रुपए अतिरिक्त व्यय करने होंगे। विद्युत मंडल धर्मशाला के अंतर्गत मार्च तक हमने नोटिसेस और TDCOs इशू किए थे 1142 कंज्यूमर्स के, जिसमें से कि हमारे पास 800 के आसपास कंज्यूमर्स ने अमाउंट जो था उसका देय अमाउंट था वो जमा करवा दिया था TDCO होने से पहले, जिसमें कि 342 TDCO एट प्रेजेंट हमारे फील्ड में इफेक्टेड हैं, जिनकी लाइट कटी हुई है। और ये अमाउंट हमारा 10 लाख के आसपास का अमाउंट था। तो इन कंज्यूमर्स ने अभी तक जो भी उनका देय बिजली बोर्ड के लिए है वो नहीं दिया हुआ है। तो हमने बार बार विभिन्न माध्यमों से भी कंज्यूमर से अपील भी की थी कि जो समय रहते जो उनके बिजली के बिल हैं उनको दें, ताकि वो जो सरचार्ज पड़ता है वो ना पड़े और जो 250 रुपये कनेक्शन की RCO फीस है वो भी ना उनको देनी पड़े, पर नहीं दी है किसी ने। तो अभी उनके TDCO हुए हैं, वो 342 नंबर है हमारे पास जो TDCO कटे हैं हमारे। इसके लिए बोर्ड ने एक स्पेशल अभियान भी चलाया था, हमने 30-31 को भी हमारे जो काउंटर्स थे, कैश काउंटर्स थे, वो भी खुले रखे थे। ऑनलाइन के माध्यम से आप जब मर्जी जमा करवा सकते थे, जिस टाइम पीरियड पे आप जमा करवा सकते थे। बट फिर भी अभी 342 के आसपास कंज्यूमर्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने अभी दिए नहीं दिए हैं, तो उनकी लाइट फील्ड में काट दी हुई है। और उस जो 10 लाख के आसपास का अमाउंट है हमारा जो ये दे है, तो हम कंज्यूमर से फिर अपील करते हैं कि जिनका भी अमाउंट, जो भी दे अमाउंट बोर्ड के प्रति है उनका, वो समय रहते उस अमाउंट को दें, ताकि जो LPS लेट पेमेंट सरचार्ज है वो भी ना पड़े और जो उनकी 250 रुपये की फीस है वो टाइमली दे करके उसको जो RCO अपना कनेक्शन का करवा।